हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं, दैट इज पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। देखिए, पाइथन जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, आज के समय में काफ़ी इसका यूज़ है और काफ़ी पॉपुलर भी होती जा रही है। तो हम लोग शुरू करते हैं कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है, कैसे डेवलप हुई, क्या इसका हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है, वो सारी चीज़ें। नाउ टुडे वी स्टार्ट विद पाइथन। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। अभी देखिए इसमें क्या होता है, अगर सबसे पहले हम इसकी हिस्ट्री की बात करें कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कैसे डेवलप हुई, क्या हुआ, तो इसमें हम बात करते हैं तो सबसे पहले बात ये निकल के आती है कि पाइथन इज़ ए वाइडली यूज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन प्रेजेंट डेज, ठीक है। और आज के समय में ये इतनी ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज है कि आप ये समझ लीजिए कि ये बिगिनर लेवल से, या आप ये कहिए कि फर्स्ट ईयर स्टूडेंट से लेकर और फाइनल ईयर के प्रोजेक्ट्स, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सारे इस पर डेवलप किए जा रहे हैं, ठीक है। और केवल ये तो मान लीजिए एकेडमिक्स के लिए होगा, नॉट ओनली इन एकेडमिक्स बट ऑल्सो इन इंडस्ट्री लेवल। इंडस्ट्री में भी पाइथन का इंडस्ट्री पर्सनल भी काफ़ी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसलिए सिंपली पाइथन का जो प्लस पॉइंट क्या है कि पाइथन में प्रोग्राम को डेवलप करना, फॉर डेवलपिंग प्रोग्राम फॉर ग्राफिक्स एप्लीकेशन, टेक्स्ट प्रोसेसिंग, डाटा एनालिसिस एट्सेट्रा, दैट इज कंपेरेटिवली ईजियर देन अदर लैंग्वेजेस। तो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जब हम इस तरह के प्रोग्राम डेवलप करते हैं जो ग्राफिक एप्लीकेशन से रिलेटेड हो या टेक्स्ट प्रोसेसिंग से रिलेटेड हो या डेटा एनालिसिस हमको करनी हो, तो इन सबको पाइथन में डेवलप करना काफ़ी आसान हो जाता है। इसलिए ये लैंग्वेज इतनी तेज़ी से पॉपुलर हो रही है। अब पाइथन लैंग्वेज जो डेवलप की गई थी, ठीक है, और रिलीज़ की गई थी वो 1991 में, इन ईयर 1991 पाइथन वॉज डेवलप्ड बाई ए डच प्रोग्रामर एंड हिज नेम वॉज गियोडो वैन रॉसेम, वैन रोजैम। ये क्या थे, ये एक डच प्रोग्रामर थे। इन्होंने इस लैंग्वेज को डेवलप किया था और 1991 में इन्होंने रिलीज किया इस लैंग्वेज को। ये जो नेम आया इसका पाइथन, ये पाइथन जो है एक्चुअली ये नाम जो आया है दैट इज इंस्पायर्ड फ्रॉम ए बीबीसी कॉमेडी शो मॉन्टी पाइथन। एक्चुअली ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन जो है, बीबीसी पे एक कॉमेडी शो आता था, उसका नाम था मॉन्टी पाइथन। उससे इंस्पायर होके जो डेवलपर थे, जो प्रोग्रामर थे, उन्होंने इसका नाम पाइथन रखा था। जो कॉमेडी शो आता था उसका पूरा नाम था मॉन्टी पाइथन्स फ्लाइंग सर्कस, फ्लाइंग सर्कस। ये एक कॉमेडी शो आता था ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन पे, बीबीसी पे। तो इससे इंस्पायर होके जो डच प्रोग्रामर मिस्टर ग्यूडो थे, इन्होंने इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम पाइथन रखा। पाइथन क्या होता, पाइथन इज ए सक्सेसर ऑफ द एबीसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। एट द टाइम ऑफ दिस राइटिंग पाइथन इज द लेटेस्ट पॉपुलर लैंग्वेज। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे अब आज के समय में जो ये 1991 में रिलीज हुआ था, अब आज के समय में जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन का वो यूज किया जा रहा है पाइथन 3। दिस इज द लेटेस्ट वर्जन, पाइथन 3 इज द लेटेस्ट मेजर रिलीज ऑफ पाइथन, ठीक है। तो इस समय जो इसका वर्जन यूज किया जा रहा है दैट इज पाइथन 3। अब तकरीबन जो 20 साल हो गए उसमें सिन द लास्ट 20 ईयर्स पाइथन हैज बीन इन द टॉप 10 मोस्ट पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। यानी कि लास्ट 20 ईयर में, करीब अब तो 22 ईयर समझ लीजिए होने को आ गए, तो पाइथन जो है टॉप 10 की जो 10 सबसे ज़्यादा पॉपुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी
उसमें एक पायथन भी थी, ठीक है। अब आज के समय में पायथन इज द मोस्ट पॉपुलर लैंग्वेज सरपासिंग सी एंड जावा। जैसे अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था कि सी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज हुई थी, उसके बाद जावा बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुई, अब इन दोनों को सुपरसीड करके पायथन जो है ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर लैंग्वेज हो गई है, हो रही है एंड मोस्ट वाइडली यूज की जा रही है, ठीक। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पायथन। अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं इसके फीचर्स की, कि क्या खास बात है इसमें फीचर्स में, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की अगर आप लोगो की बात करें, कि पाइथन का जो लोगो होता है, ठीक है, पाइथन लोगो, पाइथन प्रोग्राम इसका प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो लोगो होता है वो एक तरह से टू स्नैक्स, दो आपको सांप जैसे बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अब कैसे बनाने पड़ेंगे मैं कोशिश करता हूँ, अदरवाइज आप बुक से देख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया, मान लीजिए ये आपने बनाया ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक। ये हो गया एक, ठीक है। ये आपने यहाँ पे ये कर दीजिए, बाकी ये सब से ब्लू, ये हो जाएगा ब्लू कलर में जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं, ठीक। और इसी के साथ दूसरा स्नैक बनाइए, लेकिन इसके अपोजिट ओरिएंटेशन में, मतलब दूसरा स्नैक आपको बनाना पड़ेगा येलो कलर से, ठीक है। ये आपका आएगा ऐसे, मान लीजिए ऐसे आया ऐसे, इस तरह से एडजेक्ट, ये येलो कलर में एडजेक्ट फिगर आप बुक में देख लीजिएगा, ठीक है। वो मैं आपको सब जगह मिल जाएगा। तो पाइथन का जो लोगो होता है ये होता है, इसको बोलते हैं टू स्नैक्स, टू स्नैक्स लोगो ऑफ पाइथन, ठीक। तो ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का लोगो होता है। अब इसके कुछ मेन फीचर्स की हम लोग बात करेंगे, कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के मेन फीचर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें फीचर्स की, तो देखिए इसमें खास बात क्या होती है कि पाइथन इज ए जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड सपोर्ट्स मल्टीपल पैराडिज्म और वेज ऑफ प्रोग्रामिंग। मतलब फॉर एग्जांपल वी कैन राइट प्रोसीजरल सीक्वेंस ऑफ स्टेप एज वेल एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम्स, ठीक है, इन इट। मतलब पाइथन क्या है, पाइथन जो है एक जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो दोनों तरह की प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आप इसमें कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी आप पाइथन में कर सकते हैं, और सिक्वेंशियल, जो सिक्वेंस ऑफ स्टेप होता है प्रोग्रामिंग, ठीक है, सिक्वेंशियल प्रोग्रामिंग भी आप पाइथन में कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत ही जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। इट कैन ऑल्सो बी यूज टू राइट फंक्शनल प्रोग्राम्स अप्लाइंग एंड कंपोजिट फंक्शंस, ठीक है। मतलब ये फंक्शन, इनमें आप फंक्शन भी लिख सकते हैं, जैसे हम लोग सी और सी प्लस प्लस और इन सब में बनाए, हमने यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाए थे। लेकिन अब इन दोनों में डिफरेंस एक ये होता है कि अनलाइक सी एंड सी प्लस प्लस, पाइथन इज इंटरप्रेटेड। देखिए सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज जो होती है उसमें वो क्या था, हमने देखा था कंपाइल होते थे प्रोग्राम उसमें कंपाइल, लेकिन उसकी जगह पे जो पाइथन होता है, पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो इंटरप्रेटेड होती है। अब कंपाइलर में और इंटरप्रेटर के वर्किंग में क्या डिफरेंस है, ये आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो हम आपको ब्रीफ में बता देते हैं कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर, ये जो प्रोग्राम होते हैं इनका काम क्या होता है, सोर्स प्रोग्राम को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देना। मतलब सोर्स प्रोग्राम को 1.0 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देना। अगर कोई एरर वगैरह आती है तो ड्यूरिंग कंपाइलेशन या ड्यूरिंग इंटरप्रिटेशन वो एरर बताता है सिस्टम, प्रोग्रामर उसको दूर करता है, और उसके बाद फिर जब 0 एरर हो जाता है तब वो एग्जीक्यूट होता है। दोनों में अंतर ये होता है कि जब कंपाइलर काम करता है या जब कंपाइलेशन होता है प्रोग्राम का, तो मान लीजिए एक प्रोग्राम में सपोज कीजिए हमने कहा 200 लाइनें हैं,
तो कंपाइलर क्या करेगा, इन सारी लाइनों को चेक कर लेगा और फिर उसके बाद इकट्ठे बताएगा भाई इतनी एरर है। ठीक, इंटरप्रेटर में क्या होता है कि इंटरप्रेटर में अगर जैसे 200 लाइनें हैं तो वो लाइन बाय लाइन चेक करता है। मतलब जैसे मान लीजिए उसने पहली लाइन चेक किया, अगर यहीं पे कोई एरर है तो वहीं पे वो बता देगा एरर है, पहले उसको रिमूव कीजिए, तब फिर वो अगली लाइन पे आएगा, फिर उसको रिमूव कीजिए, फिर वो अगली लाइन पे आएगा। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वर्किंग ऑफ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। तो सी और सी प्लस प्लस जो लैंग्वेजेस थी वो तो कंपाइलर बेस्ड थी, मतलब कंपाइलेशन होता था उसमें सोर्स प्रोग्राम का, और जबकि पाइथन जो लैंग्वेज है उसमें इंटरप्रेटर होता है, दे आर इंटरप्रेटेड, मतलब लाइन बाय लाइन इसमें प्रोग्राम चेक होता है। ठीक, तो ये बेसिक डिफरेंस हो गया सी प्लस प्लस और पाइथन में। इसका मतलब क्या हुआ, वही जो हमने आपको बताया कि पाइथन प्रोग्राम्स आर नॉट कंपाइल्ड एंड स्टोर्ड इन ए बाइनरी कोड फाइल और यू कैन से एग्जीक्यूटेबल फाइल, बट इट्स सोर्स इज ट्रांसलेटेड इन टू मशीन कोड एंड एग्जीक्यूटेड बाई द इंटरप्रेटर डायरेक्टली विदाउट सीइंग द एग्जीक्यूटेबल कोड। हेंस एट आर कंप्यूटर पाइथन 3 इज एन इंटरप्रेटर एंड जीसीसी इज ए कंपाइलर फॉर सी प्रोग्राम। ठीक है, तो यानी कि अब आज के समय जो हम पाइथन 3 यूज कर रहे हैं, पाइथन 3 ये क्या है, ये इट इज एन इंटरप्रेटर। ठीक है, और जबकि जीसीसी जो हम यूज करते हैं वो क्या होता है, वो कंपाइलर होता है, किसके लिए, कंपाइलर फॉर सी प्रोग्राम के लिए। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसमें कुछ पॉइंट्स और हैं पाइथन के लिए कि दिस लैंग्वेज इज ऑल्सो डायनेमिकली टाइप्ड। डायनेमिकली टाइप का मतलब क्या होता है ये भी समझ लीजिए कि पाइथन जो लैंग्वेज है वो क्या है, वो डायनेमिकली टाइप है। डायनेमिकली टाइप्ड इसका क्या मतलब हुआ कि द टाइप ऑफ ए वेरिएबल मे नॉट बी स्पेसिफाइड इन द सोर्स कोड एंड इज आइडेंटिफाइड व्हेन द प्रोग्राम एग्जीक्यूट्स। डायनेमिकली टाइप्ड का मतलब यही होता है कि जरूरी नहीं है कि जो वेरिएबल हम यूज करें प्रोग्राम में उसको स्पेसिफाई किया हो सोर्स कोड में एंड इज आइडेंटिफाइड, और ये तब आइडेंटिफाई होता है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। पाइथन आल्सो रिलाइज ऑन गार्बेज कलेक्शन विच रिक्लेम्स द एलोकेटेड मेमोरी ऑफ द वेरिएबल्स विच आर नो लॉन्गर नीडेड। तो पाइथन में ये एक फीचर और इम्पोर्टेंट होता है कि ये रिलाई करता है गार्बेज कलेक्शन पे। गार्बेज मतलब वो मेमोरी लोकेशन जो अब जिनकी अब जरूरत नहीं है, जो अब नहीं यूज किए जा रहे हैं। ठीक, इससे फायदा क्या होता है कि दिस रिलीव्स द प्रोग्रामर ऑफ द टास्क ऑफ मेमोरी डी एलोकेशन सिमिलर टू जावा। अब इससे क्या होता है, जब पाइथन ऑटोमेटिकली गार्बेज कलेक्शन का काम करता है तो प्रोग्रामर का जो एक काम था मेमोरी डी एलोकेशन का, जैसे जावा में करना पड़ता था, वो पाइथन में नहीं करना पड़ता है। इसके अलावा और क्या फायदा है कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैज ए वेरी वास्ट वैरायटी ऑफ स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज विच अलाउ अस टू राइट कॉम्प्लेक्स कोड्स क्विकली इम्प्रूविंग आवर प्रोडक्टिविटी। यानी कि पाइथन लैंग्वेज में काफी बड़ी लाइब्रेरी है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शंस की, और चूंकि स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इसमें काफ़ी ज़्यादा होते हैं तो इससे हमको कॉम्प्लेक्स कोड्स को या कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम को बनाने में, डेवलप करने में, इम्प्रूव करने में काफ़ी सुविधा भी होती है, टाइम भी कम लगता है, और जब इजी रहता है और टाइम कम लगता है तो उससे क्या फ़ायदा होता है, उससे हमारी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एज वेल एज द इंट्रोडक्शन ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट मिला होगा पाइथन लैंग्वेज का। इन द ड्यू कमिंग लेक्चर्स हम लोग उस पर धीरे धीरे और डीप में पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो कॉन्टेंट पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।